नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कोरोना वायरस से पीड़ित बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर और भारत रत्न लता मंगेशकर अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर मंगलवार को अस्पताल के डॉक्टर्स ने बड़ी जानकारी दी है। 92 साल की लता मंगेशकर अब भी ICU वार्ड में ही भर्ती हैं। अच्छी बात यह है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि उनकी हालत में पहले से थोड़ा सुधार है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रविवार को डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया था कि गायिका लता मंगेशकर की तबीयत में शनिवार से सुधार है, लेकिन वो अभी ICU में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा था कि लता दीदी के जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। गौरतलब है कि डॉक्टर प्रतीत समदानी समेत 5 डॉक्टर्स की एक टीम लता मंगेशकर के इलाज में जुटी हुई है। लता मंगेशकर को 8-9 जनवरी की दरमियानी रात को कोरोना से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 92 साल की लता मंगेशकर के घर में काम करने वाली एक बाई के कोरोना संक्रमित होने के बाद लता दीदी का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अपने घर प्रभु कुंज के पास स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीमार होने पर लता दीदी अक्सर इस अस्पताल में ही अपना इलाज करवाती हैं। लता जी को अस्पताल में भर्ती हुए कई दिन बीत चुके हैं। ऐसे में फैंस भी सिंगर की अच्छी सेहत के लिए कामना कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी लता मंगेशकर से काफ़ी प्यार करती है और ऐसे में कई सितारे जो लता जी की हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।